regarding support from the Honorable MLA from CCD, so sir, we are getting always, I should say, hospital ko to dhyan deta hai, acha hai, to all the time, any time, he supports. We are thankful to him. इस वक्त मैं हमारी CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बालकपुंग पहुँचे हुए हैं, और ये बालकपुंग जो मैं आप सभी को बता दूँ, ये हमारे पश्चिम कमेंग जिले यानी कि वेस्ट कमेंग बोमडिला के अंतर्गत आते हैं, और ये बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे जो नियर स्थित असम के साथ, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये बालकपुंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है जिस तरह से मैं बता रहा था कि ये बॉर्डर असम के साथ शेयर करते हैं, और ऐसे में हमारे एक तरफ हम ये बालकपुंग को हम सेंटर वेस्ट कमेंग सेंटर भी बोल सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि हॉस्पिटल जो है हम इंसान के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा में जो कोई भी बीमार होता है, जो कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि एक ऐसा सेंटर है जहाँ लोग बीमार होते हैं तो अपना बीमार इलाज के लिए, अपना समस्या को वो समाधान लेने के लिए, समाधान पाने के लिए मेडिकल में आते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। ऐसा में अगर यहाँ स्टाफ नहीं होगा, ऐसे में अगर यहाँ जो ऑफिसर है, जो डॉक्टर है, अगर वो नहीं होगा तो बहुत समस्या हो जाएगा। उनसे भी बड़ी बात, अगर यहाँ मेडिसिन नहीं होगा तो वो बहुत ही समस्या की बात है। तो ऐसा में आज मैं यहाँ पूछे हुए हैं टीम आर्मभूमि जो है, कि हम ये देखेंगे कि यहाँ किस तरह से ये जो है मेडिकल यहाँ फंक्शन कर रहा है, किस तरह से यहाँ का जो स्टाफ है, किस तरह से जो फैसिलिटी पब्लिक को, यहाँ का जो जनरल पब्लिक जो बालकपुंग में रहते हैं, उनको जो फैसिलिटी किस तरह से मुहैया यहाँ किया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है, और किस तरह से ट्रीटमेंट यहाँ कर रहा है, हम उन सारे चीज को देखेंगे। ये बालकपुंग जो है त्रिजनो बुरागंग के माननीय विधायक श्री सीधी सो जी की अंतर्गत आते हैं ये जगह जो है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी जो है किस तरह जो यहाँ जो CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किस तरह से वो ध्यान देते हैं, किस तरह से उनका रिस्पॉन्स है यहाँ, किस तरह से वो अपना जो ड्यूटी को निभा रहे हैं, क्योंकि विधायक जी का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि यहाँ किस तरह से तकलीफ, अगर स्टाफ का कमी हो या यहाँ मेडिसिन की कमी हो, उन सारी चीज़ जो है वो हमारे विधायक के थ्रू से किया जाता है। तो ऐसा में आज हम देखेंगे कि हमारे जो माननीय विधायक जी का जो आशीर्वाद है, जो प्यार है, या हम यूँ कहें कि उनका अटेंशन जो है वो किस तरह है इस अरुणभूमि। आई एम डॉक्टर तागे नेहा, इंचार्ज सिनाम दुसुसो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बालकपुंग। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है बहुत जगह खोल दिया जाता है, लेकिन सर कभी ऐसा होता है कि वहाँ में स्टाफ होता नहीं है, अगर स्टाफ होते तो वहाँ पे फिर डॉक्टर रहता नहीं है, अगर डॉक्टर होता है तो फिर मेडिसिन होता नहीं है, ऐसा करके सर बहुत सारा केसेस जो है वो हमारे वेस्ट कमेंग में देखने में होता है। तो मैं सर आपसे सीधे ये जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ सर फंक्शन किस तरह से चल रहा है, ये जो है CHC जो बालकपुंग है सर, उसको आप थोड़ा सा बता दीजिए पहले। As you know, Balapung is located in the border area of Assam and Arunachal Pradesh. It is also located in the entry point of three districts, Tawang, West Kameng and East Kameng. So as such, the services that we get from the government, jaise CHC level mein milna chahiye, in terms of medicines, infrastructure, we are getting adequate. And accordingly, hum log jo यहाँ का लोगों को, पेशेंट को सर्विसेज देता है, तो वी आर गेटिंग एडिक्वेट सर्विसेज एंड अकॉर्डिंगली वी आर गिविंग बैक। फॉर द लेवल ऑफ CHC इट इज़ एनफ, एडिक्वेट है जो हम लोग देना चाहिए, जो हम लोग को मिलना चाहिए गवर्नमेंट लेवल से, तो हम लोग काफ़ी मिल रहा है। मेडिसिन भी वी आर हैविंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो छोटा मोटा टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह ये भी सब यहाँ होता है, तो स्पेशली प्रेगनेंट लेडी ये लोग को तो फ्री में हम लोग किया जाता है, यहाँ है सर्विसेज एंड वी आर गिविंग। ओके, ये जो CHC जो बालकपुंग है वो हमारा माननीय विधायक कुमसी सिदिसो जी के अंदर आते हैं। हमारे जो माननीय विधायक जी का आशीर्वाद या उनका अटेंशन वो किस तरह है सर, आपका CHC बालकपुंग को लेकर कितना सा ध्यान देता है? रिगार्डिंग सपोर्ट फ्रॉम द ऑनरेबल MLA श्री कुमसी सिदिसो सर, वी आर गेटिंग ऑलवेज, आई शुड से, बिकॉज जहाँ तक ये हॉस्पिटल है उसका फंक्शनरीज में तो हमेशा वो ध्यान देता है, जैसे कि स्टाफ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा पूछताछ करता है, तो हम इसको तो ध्यान देता है तो हमें हमेशा मिलता है, तो कभी कभी इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन ऑल्सो कभी कभी दे देता है, कभी कभी ये कुछ गाड़ियाँ बनाना होता है उसमें भी मदद करता है, तो पेशेंट्स लोग को, इवन द गरीब पेशेंट्स लोग को भी कभी कभी उन खुद ही आके खुद ही ये कर देता है, मतलब मदद करता है, और कभी ये क्योंकि दिस इज ओनली
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो छोटा सा हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट लोग हम यहाँ इलाज नहीं कर पाते हैं, बड़ा हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है, वो चीज़ को भी वो पर्सनली भी क्या बोलते हैं सपोर्ट करके, उसको मदद करके पेशेंट को भी भेजता है। तो सच हमारा हॉस्पिटल को तो वो ध्यान देता है, अच्छा है। तो ऑल ऑल द टाइम एनी टाइम ही सपोर्ट्स, वी आर थैंकफुल टू हिम। ओके सर, जिस तरह से सी एच सी को जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक फैसिलिटी दिया जाना चाहिए, तो सर वो तो आप लोग को अवेलेबल अच्छा से मिल रहा है। बिसाइड्स दैट, अगर ऐसा कुछ कमियां है जो गवर्नमेंट की तरफ से या तो हमारा ऑनरेबल की तरफ से अगर आप सब तक नहीं पूछ पा रहे हैं, या कुछ ऐसे एक अपील करना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सी एच सी कम्युनिटी सेंटर की तरफ से, तो सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड ऑफ दिस लेवल आई कैन नॉट आस्क सो मेनी थिंग्स ऑल्सो, बट देन as Balapung is located in the border state and in the entry point of three district and lots of VIP movement takes place, to kabhi kabhi kya hota hai ki hama actually hamara yahan mein we are having only three doctors, to male doctor main akela hu, to other two doctor we are having one allopathy doctor and another is a homeopathy doctor, to kabhi kabhi kya hota hai ki yahan mein VIP movement hota hai to VIP ko cover karne ke liye hum khud ko jana padta hai, at the same time ye being at the entry point again यहाँ में क्या होता है कि कभी कभी जो बालकों से ऊपर में जो पहाड़ है तो उधर से एक्सीडेंट पेशेंट्स वगैरह आता है, तो फिर उसमें भी मेल पेशेंट को ही अटेंड करना पड़ता है क्योंकि कभी ये मैसिव कैजुअलिटी वगैरह होता है, तो उधर में कभी साइट में जाना भी पड़ जाता है, तो ऐसे करके थोड़ा सा बर्डन सम है। तो इफ आई हैव टू अपील, तो हमको हमारा इधर में और कोई और मेडिकल ऑफिसर मिल जाने से तो बहुत अच्छा होना था, तो आज यही हमारा मतलब अपील है। ओके, एक्सीडेंट और बीमार एक ऐसा चीज़ है कि वो बता के नहीं आते हैं, अचानक में हो जाता है, तो ऐसा में सर लोग यहाँ आना चाहेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे, तो ऐसा में सर आप लोग किस तरह से सर आप तक पहुँचना है, कॉन्टेक्ट किस तरह से किया जाए सर आप तक? यस, गुड पॉइंट। एक्चुअली हम लोग का मेडिकल में बिकॉज ऑफ नो लैंडलाइन, तो लैंडलाइन सिस्टम नहीं है, लैंडलाइन होने से पहले तो लैंडलाइन होता था, तो समय में हमारा मेडिकल का ये नंबर को फोन नंबर को दिया जाता था, तो आजकल लैंडलाइन नहीं है, तो ऐसे हम लोग ये नोटिस बोर्ड वगैरह में हमारा बड़ा बड़ा नंबर लिख के रखा है, सभी डॉक्टर का ये नंबर्स को फोन नंबर को लिख के रखता है, तो एनी टाइम एनी बॉडी कैन कॉल, तो ऐसे तो ऐसे कॉल आता ही है, तो हम लोग मना नहीं करता है, तो एनी टाइम 24x7 हम लोग सर्विस देते हैं, हमारा फोन इज ऑलवेज अवेलेबल एंड इट इज ऑलवेज ओपन। यहाँ बालोपुंग जो है इस इन द एंट्री पॉइंट जो आसाम एंड अरुणाचल का बॉर्डर में, आफ्टर बालोपुंग जो हमारा अरुणाचल जो जाता है वो हिल एरिया है, तो एस एच नॉट ओनली टूरिस्ट आई शुड से जो भी ट्रेवलर्स यहाँ जाने वाला दे शुड बी अलर्ट होना है, क्योंकि बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह यहाँ में यहाँ केसेस मिलते हैं, बिकॉज यहाँ से बालोपुंग से ऊपर ये बोमडिला तवांग जो रास्ता है जो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बना दिया, तो अच्छा रास्ता को फायदा उठाते ही लोगों ये बहुत स्पीड व्हीकल्स को चलाते हैं, उसकी वजह से कभी कभी बहुत एक्सीडेंट केसेस आता है, और ऐसे वो भी स्लिप नहीं है, कभी कभी वो आसाम का लोग यहाँ में घूमने के लिए आता है, यहाँ मतलब वाटरफॉल वगैरह है तो उसको देखने के लिए आता है, तो आके क्या करता है बोलने से कभी कभी उन लोग इन्जॉय करने के लिए थोड़ा मोड़ा दारू वारू पी लेता है, तो ऐसा करके दारू पी के भी बहुत सारा एक्सीडेंट केसेस आता है, ये हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, कोई कोई केसेस लोग को तो यहाँ हम लोग नहीं सकते तेजपुर भेजना पड़ता है, तो कोई कोई लोग दारू पी के आपस में झगड़ा करता है, फिर यहाँ के लोगों को भी कभी कभी झगड़ा करता है, दैट इज अननेसेसरी, तो इसीलिए हमारा अरुणाचल में आइए घूमिए देखिए, लेकिन ये सब दारू वारू नहीं पीने से अच्छा है, तो एक्सीडेंट क्योंकि बिकॉज somebody इज वेटिंग फॉर यू एट होम, तो आप सेफली पहुँचने से अच्छा है, दिस इज़ माई अपील।